ना धीरता ना रे तुमने तो कैफे में कहा था कि तुम्हें फाइव स्टार होटल जाना, तुम्हारी हर ख्वाहिश सराखों पर। पता है बचपन से मेरा एक ही सपना था, एक बार फाइव स्टार में कदम रख दूं। अच्छी तरह याद है मुझे, और आज ही नहीं तुम जब चाहो हम यहाँ आ सकते हैं। ओके चले? अच्छा सुनो, तुमने बिल्कुल घबराना नहीं। तुमने कैफे में जो मुझे सिखाया था ना, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं तुम्हें बिल्कुल एम्बैरेस नहीं करूंगा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। आपका तो रोज का आना जाना होगा इसी जगह पर, और मैं आपको सिखा रही थी कि फाइव स्टार में बिहेव कैसे करते हैं। अच्छा सुनो, मैनेजर आ रहा है, जरा अपनी इंग्लिश से इंप्रेस कर लो। हाँ हाँ, मेरी इंग्लिश का जादू कहीं भी चल सकता है। हेलो मिस्टर अर्जुन अग्निहोत्री, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? टेबल फॉर टू प्लीज। योर टेबल आर दिस प्लीज। इतना बड़ा स्विमिंग पूल, आप चलिए हम आते। इतना सारा पानी, इतना साफ पानी तो मेरे घर के नल में भी नहीं आता है। मैं एक बार छू कर देखूं। हाँ? पर कोई कुछ कहेगा तो नहीं ना? ठीक है। बहुत ठंड है, आप भी हाथ लगा कर देखो ना। नैनों में अपनी किस्मत का, नैनों में अपनी किस्मत का मुझको दिखा सीता। मजा आ रहा है ना? ऐसा करते हैं, आप चलते हैं। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? किसी को लगना नहीं चाहिए कि मैं पहली बार फाइव स्टार में आई हूँ। चलो चलो। अच्छा लक्ष्मी, तुमने बताया नहीं, मेरी वॉक ठीक है ना? मतलब कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा हूँ ना? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? पता है उस दिन तो मैंने इतनी डींगे मारी, लेकिन आज इतने बड़े होटल को देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो रही है। ऐसा क्यों बोल रही हो? उस दिन कैफे में कितना कुछ सिखाया तुमने मुझे, कॉन्फिडेंस, इंग्लिश के दो चार वर्ड्स, वो सब के बारे में सोचो ना, अच्छा फील करोगी।
हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस तो मुझ में कूट कूट के भरा है। ये भी ना बात, चलो चलो। आइए सर, आइए। सुंदर है ना, ये सब तो एकदम सपने जैसा लग रहा है। अभी तो बस शुरुआत है। मैम मेन्यू। थैंक यू। एक चाय 200 रुपए की है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको तो ये सब पता ही होगा। हाय राम, 900 रुपए की एक दाल? क्यों नहीं होगी, 5-star होटल है, इतना तो बनता है। लक्ष्मी, तुम प्राइस क्यों देख रही हो? तुम्हें जो ऑर्डर करना है करो। ऐसा कीजिए, आप ही ऑर्डर कर दीजिए मेरे लिए। पक्का? सर, वुड यू लाइक गो टू फॉर आला कार्ट सर? आला कार्ट? ये तो कभी खाया नहीं, लेकिन साउंड तो बड़ा अच्छा कर रहा है। शायद 5-star में लोग आके यही ऑर्डर करते होंगे। हाँ हाँ हाँ, चलेगा। बाकी आप ले। ओके ओके सर, थैंक यू। एक बात बताओ, ये आला का टेस्ट में कैसा होता है? आला का कोई डिश नहीं है, अपनी पसंद से आप जो ऑर्डर करते हैं उसे आला का कहते हैं। ओ हाँ हाँ, मुझे तो लगा ही था कुछ ऐसा ही होता होगा। वैसे इंटीरियर कितना अच्छा है ना, इस होटल को मैंने बचपन से देखा है, मेरे सामने ही तो बना है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ये सब हमारे लिए? कमाल कर दिया। थैंक यू।
थैंक यू मैडम। क्या बजाया इन दोनों ने? सच्ची कहूं तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसे खड़े थे जैसे दोनों को सांप सूंघ गया। अरे अपना बिट्टू इससे ज्यादा अच्छा बजा लेता है। बिट्टू कौन? अपने मोहल्ले में शर्मा जी है ना, उनका बेटा बिट्टू। वो भी तो ये वायलिन बजाना सीख रहा है, इन दोनों से अच्छा बजा लेता है। अच्छा? लेकिन एक बात बताओ, फाइव स्टार में कभी भी आओ ना, तो चाहे तुम्हें कोई चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगे, लेकिन ऐसे दिखाओ जैसे तुम्हें बहुत पसंद आई है, तुमने बहुत एंजॉय किया, खूब तालियां बजाओ। अरे लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? आपको तो पता ही होगा ना। लक्ष्मी एक इंपॉर्टेंट कॉल, मैं बस दो मिनट में आता हूँ। ओके। ओ गॉड, क्या करूं? मुझे तो पता भी नहीं है कि वॉशरूम कहाँ है। अब किससे पूछूं? अब तो कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। उस दिन तो मैंने ही कहा था कि फाइव स्टार में किसी से मत पूछना ये कहाँ है वो कहाँ है, वरना लोग समझेंगे कि पहली बार आई है। नहीं नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। कंट्रोल लक्ष्मी, कंट्रोल। सॉरी। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों? एकदम ठीक हूँ। लग नहीं रही हो। क्या तुम मुझे जल्दी से बता सकते हो यहाँ वॉशरूम कहाँ है? लक्ष्मी तुम भी ना किसी से भी पूछ लेती। हाँ पर तुम पूछोगे थोड़ा ना, ना सबको लगेगा कि तुम यहाँ पहली बार आई हो, है ना? हाँ सीधा जाओ और लेफ्ट। सीधा से लेफ्ट? मैं बस दो मिनट में। अब ठीक लग रहा है। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, क्या वॉशरूम था। हर चीज इतनी चमक रही थी, चम 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 चम, जैसे दिन में 24 बार घस के साफ करते हो। इतना बड़ा वॉशरूम, इतना बड़ा तो मेरे घर का कमरा भी नहीं है। चारों तरफ शीशे शीशे शीशे, शीश महल लग रहा था। खाना नहीं आया अभी तक? आ गया। मैडम क्या? शुरू करो। हाँ क्या हुआ, तुम खा नहीं रहे? कुछ नहीं, खा तो रही हूँ। लक्ष्मी मैं देख रहा हूं तुम कुछ दिनों से ना बदल गए। जो लड़की गोलगप्पे भी अपनी पसंद से बनवाती है तीखे मीठे, वो चुपचाप हॉस्पिटल जैसा खाना खा रही है। जगह ही तो बदली है। तुम, तुम्हारी पसंद नापसंद, ये थोड़ा ना बदली है। अरे नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो है खाना, फाइव स्टार का खाना है, ऐसा ही होता है। नमक मिर्च थोड़ा कम ही डालते हैं ये लोग। मुझे आदत नहीं है ना खाने की, इसीलिए ऐसा लग रहा है। पर कोई बात नहीं, हो जाएगी धीरे धीरे, अब तो रोज का आना जाना होगा। सच कहूं तो मुझे मजा नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, यहां से हम सीधे ढाबे पे चलते हैं, वहां अपना देसी खाना खाएंगे। हाँ एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज।